हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, जाने से पहले नोट ए फाइनेंशियल एडवाइस। सो गाइस, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें वो सोच समझ कर करें। आपके लॉसेस और आपके प्रॉफिट की हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। सो एज इट इज़ गाइस, जैसे आपने देख ही लिया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सो गाइस, जाने से पहले, जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे चैनल्स के ऊपर ऑलमोस्ट हर टाइप की वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो चेक कर लीजिए। मैं आपसे बेट लगाकर बोलता हूँ, आपको 50% से ज़्यादा एजुकेशन हमारी वीडियो देखकर मिल जाएगी। और इससे आपको ही बेनिफिट होगा कि आने वाले समय के अंदर जो भी आप डिसीजन लेना चाहेंगे वो अपने खुद के तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो। सो गाइस, ये सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, आप देख लीजिएगा। बेस्ट से बेस्ट वीडियो अवेलेबल है। उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई वीडियो पसंद जरूर आएगी और आपको मोटिवेशन करेगी, या फिर आपको एक अच्छा ट्रेडर या अच्छा होडलर बनाने की कोशिश करेंगी ये मेरी वीडियोस। सो गाइस, आप देख लीजिएगा और ऑलवेज लर्न करते रहिए, क्योंकि एजुकेशन ही जीने का और आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया है। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो हमारे अर्ल्ट्स कॉइन होंगे, जो बेस्ट अर्ल्ट्स कॉइन होंगे उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और ये अर्ट्स कॉइन आने वाले समय के अंदर आपको इजीली 5-6x दे सकते हैं। आपने कहाँ पर एग्जिस्ट करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। आपने कितना प्रॉफिट इससे अर्न करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए या अगले बुल साइकिल के लिए आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे। एज इट इज गाइस, आज आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन का प्राइस है $6,800, और इथेरियम का करंट प्राइस आप देख सकते हैं $160 है, और XRP का 0.188 सेंट है। और आज डेट 15 अप्रैल 2020 है। जो हमारे 8 बेस्ट अर्ल्ट्स हैं जो हम बाय कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे आज। देखिए, जो सबसे पहला हमारा कॉइन होगा वो होगा इथेरियम। आज आप देख सकते हैं जो इथेरियम का करंट प्राइस आप देख सकते हैं $150 है। अगर इन फ्यूचर इसको अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इसकी उम्मीद करेंगे वो $100 के आसपास। अगर ये हिट कर जाता है तो बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपको बाय करने की। अगर उससे भी नीचे चला जाता है वो गोल्डन चांस होगा। $100 अगर इससे नीचे चला जाता है तो वो आपके लिए गोल्डन चांस चांस होगा। मैं आपसे जरूर बोलूंगा, आप इसको ग्रैप जरूर कीजिएगा, आप इसे बाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी चला गया तो ऑलमोस्ट आपको 10x का रिटर्न मिल जाएगा। बस आपने कुछ नहीं करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 साल तक इसको होल्ड करना है और आपको एक काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉइन जो था इथेरियम। सो नेक्स्ट कॉइन होगा, जो सेकंड कॉइन होगा वो है हमारा XRP कॉइन है। आज उसका आप करंट प्राइस देख सकते हैं 0.188 सेंट है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो अगर आपको 30 -30 की डिप या -40 की डिप मिलती है, ऑलमोस्ट ग्यारह सेंट या 10 सेंट के आसपास अगर आपको ये कॉइन मिलता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जितना हो सके उतना बाय कर लीजिएगा। अगर आप बैग भरना चाहते हो तो आप बैग भी भर सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेटली जो कॉइन है, मैं आपसे आज भी बोलता हूँ, ये $1 को हिट करेगा ही करेगा, ये डेफिनेटली करेगा। ये मेरी 100% बेट है इस XRP कॉइन के ऊपर। आप इसका जो चार्ट आप देख सकते हैं कि जैसे जिसने ऑलमोस्ट जो 2017 से लेकर जो 17 का लास्ट तक जो बुल साइकिल चला था उसके अंदर इस क्वाइन ने लोगों को 100x का रिटर्न दिया था। सो गाइस, मिल सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हर हर चीज पॉसिबिलिटी है। जो लोग बोलते हैं नहीं है, पर मैं उनकी बातें नहीं सुनता, मैं अपने तरीके से चलता हूँ। पॉसिबिलिटी हर चीज़ के अंदर है, बस पॉसिबिलिटी को अपने पैसे को कन्वर्ट करना, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करना मुनाफे के अंदर, यानी प्रॉफिट के अंदर, वो आपके हाथ के अंदर है। देखिए, कॉइन से प्यार मत कीजिए। आप जहां प्रॉफिट चाहते हो वहां पर आप एग्जिस्ट कर जाइए। जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ मैंने कई बार, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट कॉइन होगा वो है कार्डानो। कार्डानो का करंट प्राइस आप देख सकते हैं 0.033 सेंट है। बहुत ही चीप प्राइस है, अभी भी ये काफी चीप प्राइस है। बट आप ये सोचिए कि मैंने इससे भी सस्ता लेना है। आप करंट प्राइस के ऊपर 20-30% बाइंग कर सकते हो। अगर इससे भी सस्ता मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 0.025 सेंट के आसपास मिलता है या 0.02 सेंट के आसपास मिलता है, तो इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। जी हाँ, ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस कॉइन को बाय करने की। और ये कार्डानो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इसकी जो इम्प्लीमेंट्स है उसको फुलफिल कर दिया कार्डानो कॉइन ने,
तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ जो इसके जो टारगेट है नेक्स्ट बुल साइकिल के, उसकी मैंने वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं जाकर। उसके अंदर आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। एक वीडियो है कार्डानो मेक यू मिलेनियन, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है कार्डानो के ऊपर, और ये कार्डानो की प्राइस प्रेडिक्शन भी की हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जाकर। सो गाइस, जो नेक्स्ट कॉइन होगा वो ऑलवेज मेरा फेवरेट कॉइन है चेनलिंक। मैंने कई बार आपको इसको $2 पर बाय करने की के लिए कहा था और वो $2 भी आया था, और आज करंट प्राइस आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 3.50 सेंट तक ये होकर आया, यानी कि जिस बंदे ने $2 पर मेरे कहने पर बाय किया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसे 70% का मुनाफा हो चुका है अब तक। करंट प्राइस के ऊपर भी उसको मुनाफा हो चुका है। जो डिसीजन अगला है वो उसका उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी कि ऊपर जाकर गाड़ी नीचे की आएगी, बार बार ऐसा नहीं होगा। एक दिन ऐसा होगा ये गाड़ी ऊपर को ही कंटिन्यूसली चलेगी, आप बस उम्मीद करते रह जाएंगे कि मैं बाय करने के लिए मैंने बिट लगाई थी वहां तक पहुंचा ही नहीं। सो आपको अपने तरीके के साथ चलना पड़ेगा, आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर की ओर से देखना पड़ेगा। और गाइस, जो इसका जो ऑलमोस्ट जो मैंने टारगेट्स आपको बताए हुए हैं जो बुल साइकिल के अंदर कहाँ तक हिट कर सकता है, मेरी वीडियोस के अंदर आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही इजी भाषा और बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। जो बेस्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली आप इसको बाय जरूर कीजिएगा, ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना बहुत ही जरूरी है, ये सारे के सारे कॉइन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट कॉइन होगा वो है टेजोस। टेजोस कॉइन जो करंट प्राइस अभी $2 के आसपास चल रहा है, काफी ऊपर आ चुका है, जैसे कि आपको पता ही है जो पिछला जो डंप आया था वहां पर 1.50 सेंट तक आया था। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट $1 के आसपास इसकी उम्मीद लगाइएगा, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको मिल जाए तो। अगर आप ये जो जितने भी कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे नेक्स्ट बुल साइकिल के लिए भी आप रख सकते हो, या इसको 5 to 4x तक भी आप इसको रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा आपने क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर ही ये वीडियो क्रिएट की गई है। और ये मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं और मैं इन सभी प्रोजेक्टों को लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा, और मैं इनके ऊपर बुल मार्केट देखना चाहता हूँ। मैं इनको 5x के ऊपर 30 to 40% अपनी सप्लाई तो मैं सेल आउट करूंगा ही करूंगा, जो रेस्ट ऑफ सप्लाई होगी जैसे 60 to 70% उसको मैं छोड़ दूंगा, मैं बुल साइकिल देखूंगा उस सप्लाई के अकॉर्डिंगली। सो गाइस, ये टेजोस है, इसको भी आप बाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने इसकी काफी प्राइस प्रेडिक्शन भी की हुई है, आप देख सकते हैं उसको भी जाकर। सो गाइस, अगला हमारा प्रोजेक्ट होगा वो है ईओस का प्रोजेक्ट है। इसका जो करंट प्राइस आप देख सकते हैं 2.50 सेंट चल रहा है, बहुत ही अच्छा कॉइन है। अगर आप आज करंट प्राइस के ऊपर अगर इसको बाय करते हो तो इसका आप पिछला ऑल टाइम हाई देख सकते हो, ऑलमोस्ट $25 था। अगर $25 तक भी ये कॉइन हिट कर जाता है, अगर ये कॉइन अगर $25 तक भी हिट कर जाता है तो आपका 10x हो जाएगा प्राइस, आपकी मनी 10x हो जाएगी इजी। या क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ ये चीजें एक स्पेकुलेशन है, इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, हर चीज पॉसिबिलिटी है। अगर 100 दिन के अंदर पूरी दुनिया बदल सकती है तो 100 दिन के अंदर पूरी क्रिप्टो मार्केट भी बदल सकती है, आप इन चीजों को याद रख लीजिए। नेक्स्ट कॉइन हमारा होगा गाइस वो ऑलवेज बाइनेंस कॉइन है, मैंने इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की हुई है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉइन है, बेस्ट कॉइन है। जब तक एक्सचेंज सर्वाइव करेगी तब तक ये कॉइन सर्वाइव करेगा, और इसके जो बुल साइकिल के जो जो पैटर्न्स होंगे जिसको मैंने आपको कई बार बताया हुआ है वो मैं अपनी वीडियोस के अंदर कवर अप किया हुआ है, आप मेरी वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। जो BNB का जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा, और आपको 100% कोई ना कोई बेनिफिट वीडियो देखने से जरूर मिलेगा। सो गाइस, जो हमारा लास्ट कॉइन होगा वो है एल्गोरेंट। जी हाँ, एल्गोरेंट कॉइन इसलिए बेस्ट है क्योंकि जो इनकी जो टीम है बहुत ही एक्सपर्ट बंदी है, टीम के अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादातर बंदे टेक्निकल और जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं इस कॉइन के अंदर, और मुझे इस कॉइन के अंदर काफ़ी पोटेंशियल लगती है। और मैं इस कॉइन को अगर मुझे इन फ्यूचर 10 सेंट या 12 सेंट के आसपास मिलता बाय करने का तो डेफिनेटली मैं इसको बाय करूंगा, और इसको मैं जो नेक्स्ट पैराबोलिक मूवमेंट होगी यानी कहने का मतलब जो नेक्स्ट बुल साइकिल होगा उसके अंदर मैं इसको सेल आउट करूंगा। ये मेरे गाइस जो एल्गोरेंट है काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको बाय कर सकते हो, जो करंट प्राइस है इसके ऊपर आप 20% बाइंग कर सकते हो, जितनी डिप आपको मिले उतना ही बेस्ट है कि डिप के अंदर आप कॉन्टिन्यूसली को छोटा छोटा प्राइस के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। क्योंकि ये जो जितने भी मैंने अभी आपको 8 कॉइन बताए हैं ये सारे के सारे बुल मार्केट के लिए बताए हैं, और बेस्ट कॉइन है ये, आपके पास ये बेस्ट कॉइन है, और इन्हीं कॉइन्स के अंदर 50x और 100x होने के चांसेस अवेलेबल हैं। जी हाँ,
आपने सही सुना है कि इन्हीं के अंदर कॉइन्स के अंदर 50x तक रिटर्न हमें मिल सकता है नेक्स्ट पैराबोलिक मोमेंट के अंदर। सो गाइस ये मेरे 8 बेस्ट कॉइन थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉइन्स आप डेफिनेटली जरूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखिएगा। सो गाइस ये कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। इथेरियम, एल्गोरेंट, टेजोस, बाइनेंस, कार्डानो, रिप्पल, चेनलिंक और ईओस, ये कॉइन होंगे तो ही अगला आप बुल रन देख सकते हो जिसके अंदर अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इस चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस आप देखिए मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको 50% नॉलेज मेरी वीडियो देखने से डेफिनेटली मिलेगी और आप मोटिवेट भी रहेंगे इस मार्केट के अंदर। सो गाइस ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू गाइस।